नमस्कार मित्रों, सर्दी जुखाम के साथ फ्लू से छुटकारा दिलाएगा अजवाइन का काढ़ा, बढ़ेगी इम्यूनिटी। दोस्तों, हम यहाँ कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या है ये काढ़ा। हेल्दी डाइट और वर्कआउट और समय पर सोना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिनचर्या के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर आपको बीमारियों से बचाती है। आज हम आपको ऐसा कारगर उपाय बता रहे हैं जिससे आप फ्लू को 4 से 5 दिनों में आसानी से ठीक कर सकते हैं, वहीं इससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। कुड़ों से भरी अजवाइन। अजवाइन में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को हेल्दी और फिट रखने में मदद करता है। अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है जो सर्दी जुकाम के लिए फायदेमंद है। इससे कैसे बना है? सामग्री: 1/2 चम्मच अजवाइन के बीज, 5 तुलसी के पत्ते, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद। ऐसे बनाएं, 1 गहरा पैन लें और उसमें 1 गिलास पानी, अजवाइन, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालें। पानी को 5 मिनट तक उबालने दें, गैस को बंद कर दें। इसमें ठंडा होने के बाद शहद को मिलाएं और पी लें। इसके फायदे: अजवाइन गुणों से भरी हुई है, इसमें काली मिर्च, तुलसी, शहद डालकर काढ़ा बनाया जाता है तो इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। फ्लू से छुटकारा दिलाने के लिए आज अजवाइन का काढ़ा इन परेशानियों से भी मुक्ति दिलाता है। पेट की बीमारियों से छुटकारा, सर्दी जुकाम और खांसी में राहत, मशूड़ों की सूजन, पीरियड्स के दर्द से छुटकारा और मुहासों से छुटकारा। इन बातों का रखें ध्यान। एक दिन में बहुत ज़्यादा अजवाइन सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस काढ़े को दिन में सिर्फ 1 ही बार पिए। वहीं स्तनपान करने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को इस काढ़े का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके साथ शेयर की। धन्यवाद।